नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीएड सेकंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। उस टॉपिक का नाम है निर्देशन, गाइडेंस। गाइडेंस और निर्देशन क्या है? तो विद्यार्थियों, निर्देशन टू गाइड शब्द से बना है। किससे बना है? टू गाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना, मार्ग दिखाना, दिशा दिखाना, दिशा दिखाना। ये किसका अर्थ होता है? गाइडेंस का अर्थ होता है। तो गाइडेंस टू गाइड शब्द से बना है, और टू गाइड शब्द से इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति को मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना। अब बात आती है निर्देशन है क्या। निर्देशन एक प्रक्रिया है। निर्देशन शिक्षा की तरह एक प्रक्रिया है। जैसे शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण गुणों का विकास होता है, उसकी अंतर्निहित शक्तियां उजागर होती है, वैसे ही निर्देशन के माध्यम से भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। कौन? निर्देशन। तो निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को क्या मिलती है? सहायता मिलती है, ताकि वो अपनी समस्या को समझे और उस पर आवश्यक निर्णय ले सके। मतलब यहाँ पर है निर्देशन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, व्यक्ति की सहायता करता है, ताकि व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करके उचित निर्णय ले सके। ठीक है, उसके बाद आता है क्रो एंड क्रो, जिसने एक पुस्तक भी लिखी थी विद्यार्थियों, एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस नामक पुस्तक जो है वो क्रो एंड क्रो ने लिखी थी। और क्रो एंड क्रो ने साफ कहा है कि निर्देशन ऑर्डर नहीं है, गाइडेंस ऑर्डर नहीं है, ना ही यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अपने दृष्टिकोणों को थोपा जाता है। निर्देशन हम उसे नहीं कहेंगे, निर्देशन आदेश नहीं है। जबकि निर्देशन के बारे में उन्होंने कहा कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है, ताकि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास कर पाता है, अपनी क्षमताओं को पहचान पाता है, उसे ही हम निर्देशन कहते हैं। तो निर्देशन क्या है क्रो एंड क्रो के अनुसार? किसी प्रशिक्षित द्वारा किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता, जिससे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास कर सके। अब बात आती है जॉन्स। जॉन्स ने भी निर्देशन की परिभाषा दी है। कहा है इंगित करना, उसको डायरेक्शन देना, उसको सूचित करना और उसको रास्ता दिखाना कि तेरे अंदर कौन सी क्षमता है, आपके विद्यार्थी के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं हैं, किन किन रुचियों का विकास बालक के अंदर हो रहा है, तो उसको इंगित करना, सूचित करना और उसका पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन है। ये कहना था जॉन्स का। ठीक है, उसके बाद आती है चाइलोम की परिभाषा। चाइलोम कहते हैं कि जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनके प्रति सूझ विकसित हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्देशन कहते हैं। जीवन से संबंधित समस्याओं के प्रति सूझ विकसित हो जाए, चाइलोम के अनुसार निर्देशन की बड़ी ही सुंदर परिभाषा है। उसके बाद स्टूप्स ने कहा कि स्वयं व समाज का उपयोग हेतु अपनी क्षमता और योग्यताओं को पहचानने के लिए निरंतर दी जाने वाली सहायता, व्यक्ति स्वयं अपना कल्याण और अपने समाज के कल्याण करने के लिए निरंतर जो सहायता देता है, निरंतर व्यक्तियों को जो सहायता देता है, उसे ही हम निर्देशन के नाम से जानते हैं। टैक्सलर ने बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी, और टैक्सलर ने कहा कि निर्देशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से बच्चे में उसका इंटरेस्ट, उसकी योग्यता और उसकी क्षमताएं क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानने लग जाता है,
व्यक्ति अपनी रुचियों को पहचानने लग जाता है। ये परिभाषा देने वाले थे टेक्सलर साहब। तो आपने निर्देशन की तीन परिभाषाओं के बारे में डिस्कस किया। पहला क्रो एंड क्रो ने कहा कि व्यक्ति का अपने दृष्टिकोणों को लादना निर्देशन नहीं है। निर्देशन तो वो है जो किसी प्रशिक्षित द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है उसे ही हम निर्देशन कहते हैं। जॉन्स कहता है इंगित करना, सूचित करना और पथ प्रदर्शित करना। चाइलोम कहता है जीवन से संबंधित समस्याओं के प्रति सूझ विकसित होना ही निर्देशन है। इसके अलावा स्टोप्स ने कहा कि स्वयं व समाज के उपयोग हेतु निरंतर दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है। टेक्सलर कहता है निर्देशन एक गतिविधि है जिसमें उसकी रुचि और योग्यताओं का क्या होता है, विकास होता है। अब बात आती है एम्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के उद्देश्य या एम्स ऑफ गाइडेंस। एम्स क्या है गाइडेंस के, तो देखिए निर्देश निर्णय लेने में सहायक। कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा है तो किसी प्रशिक्षित द्वारा किसी व्यक्ति की सहायता के माध्यम से हम निर्णय पर पहुंच पाते हैं। जीवन में हमारे कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम असमंजस की स्थिति में रहते हैं, हम चुनाव नहीं कर पाते कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, तो हम उस समय क्या लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं और उचित निर्णय पर पहुंच जाते हैं। तो निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना ही निर्देशन का उद्देश्य माना जाता है। इसके अलावा निर्देशन के माध्यम से, निर्देशन का उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं को समझे, अपनी रुचियों को समझे और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में क्या हो सहायक, जो भी अवसर आपको उपलब्ध है उसके आधार पर किन किन चीजों को आपको स्वीकार करना है, इन चीजों में सहायता प्रदान करता है निर्देशन। तो निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी रुचि और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायक होता है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। व्यक्ति निर्देशन और गाइडेंस के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझा पाता है। तो व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना भी निर्देशन का उद्देश्य माना जाता है। आत्मनिर्देशन, अपना अपने आप निर्देशन भी किया जा सकता है। आप जानते हैं कई बार हमारा मन विचलित होता है लेकिन हमारी आत्मा हमें गाइडेंस करती है कि हमें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हमारी आत्मा हमें क्या करती रहती है, गाइडेंस करती रहती है। तो निर्देशन आत्मा का एक विचार भी है, निर्देशन देने वाली हमारी आत्मा भी है। तो आत्मनिर्देशन प्रदान करना भी निर्देशन का उद्देश्य माना जाता है। व्यक्ति का विकास होता है। देखो विद्यार्थियों, व्यक्ति का सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक सभी तरीके से विकास हो करना ही निर्देशन का उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति अपनी योग्यताओं को पहचानता है, अपनी क्षमताओं को पहचानता है। तो इन सब के माध्यम से विद्यार्थियों क्या करता है, वो व्यक्ति अपने आप का विकास कर पाता है। उसके बाद है क्षमताओं को समझने में सहायता प्रदान करना निर्देशन का उद्देश्य माना जाता है। तो आपने देखा निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना निर्देशन का उद्देश्य है, योग्यता, रुचि और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायक है, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना उद्देश्य है, आत्मनिर्देशन करना है, निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है, क्षमताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है कौन, निर्देशन। अब बात आती है निर्देशन की प्रकृति, नेचर ऑफ गाइडेंस। नेचर ऑफ गाइडेंस, निर्देशन की प्रकृति कैसी है विद्यार्थियों, तो निर्देशन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन जो पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो है कौन, निर्देशन। निर्देशन का स्वरूप मूर्त होता है और एक सेवा के रूप में परिलक्षित होता है, कौन, निर्देशन। इसके अलावा
आदिकाल से ये परंपरा गाइडेंस की परंपरा चली आ रही है और आज भी हमारे समाज में निर्देशन की परंपरा विद्यमान है, समायोजन का विकास। देखो विद्यार्थियों, हम समाज के साथ समायोजित कई बार गाइडेंस ही होते हैं। हम विद्यार्थी को, छात्र को जब कक्षा में शिक्षक के द्वारा क्या दिया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है, निर्देशन जो प्रदान किया जाता है उसके माध्यम से वो समाज के साथ समायोजित होना सीखता है, अन्य बालकों के साथ समायोजित होना सीखता है। तो गाइडेंस एक समायोजन के विकास में भी सहायता प्रदान करती है। तो समायोजन के विकास में परिलक्षित होती है, व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है। व्यक्ति अपनी योग्यताओं को समझ पाता है और जब व्यक्ति अपनी योग्यताओं को समझ करके अगर आगे विकास करता है विद्यार्थियों, तो व्यक्ति क्या होता है, समाज में अपना स्थान निर्धारित कर पाता है और जब समाज में अपना स्थान निर्धारित कर पाता है तो समाज भी विकसित होता है। तो समाज को विकसित करने में निर्देशन एक परिलक्षित होता है। उसके अलावा जो आपका निर्देशन है उसकी जो प्रकृति है वो बहुपक्षीय होती है। तो आपने देखा निर्देशन की प्रक्रिया सतत और निरंतर होती है, निर्देशन मूर्त स्वरूप में परिलक्षित होता है, आदिकाल से वर्तमान अवस्था तक ये विद्यमान है, अंतःक्रियात्मक व्यापार के रूप में परिलक्षित होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाइडेंस करता है, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को गाइडेंस करता है और ये गाइडेंस की प्रक्रिया, निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चलती रहती है। तो अंतःक्रियात्मक व्यापार के रूप में हमें निर्देशन परिलक्षित होता है। समायोजन विकास होता है, व्यक्ति व समाज दोनों का कल्याण होता है और जो आपका निर्देशन है उसका स्वरूप जो होता है वो बहुपक्षीय होता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने निर्देशन की परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य और प्रकृति के बारे में डिस्कस किया। आपने देखा निर्देशन एक अविरल चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करती है, व्यक्ति को भावी जीवन की तैयारी करने के लिए तैयार करता है, व्यक्ति को सुखी बनाने का प्रयास करता है और परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाता है। कौन? निर्देशन। ये इसका निष्कर्ष परिभाषाओं का यही निकलता है। पहला, व्यक्ति को व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना सिखाता है, व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, व्यक्ति को सुखी जीवन जीने का प्रयास किया जाता है और व्यक्ति परिस्थितियों से समायोजन कर सके ये सिखाता है आपका कौन? निर्देशन। इसके अलावा निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति अपने आप निर्णय ले पाता है, निर्देशन के माध्यम से विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव कर पाता है, निर्देशन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अपनी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं का विकास कर पाता है। ये है आपका निर्देशन। आगे हम निर्देशन के प्रकारों, इसकी विशेषताओं, इसके महत्व के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको इसी तरह से जो निर्देशन परामर्श जो भी आपके बीएड सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हैं उन सबको क्लियर करवा सकूं। विद्यार्थियों, धन्यवाद।